ये लीजिए। संजीदगी से आपसे वादा किया है हमने, निभाएंगे और आपके शौहर तक हम आपको पहुंचाएंगे। फिक्र ना कीजिए आप, अगर आपको कुछ करना ही है तो हम पर एक एहसान करें। आपकी ये जो प्यारी सी खूबसूरत आंखें हैं ना, इन्हें परेशान नहीं कीजिएगा, एक भी अश्क का कतरा मत लाइएगा। इतना तो कर सकती हैं ना आप हमारे लिए, चलिए हम अभी गए और अभी आया खुशखबरी लेके। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान से यही दुआ करती हूँ कि वो आपका फोन उठा ले, मेरा नाम सुनकर फोन। आपका नाम सुनकर फोन मतलब? नहीं, वो खफा है क्या वो आपसे, या आप दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है? मोहतरमा ऐसी कोई उम्मीद है तो हमें पहले ही बता दीजिए, खामखा उनको ढूंढने के लिए हम क्यों जाएं? आप एक काम कीजिए, आप यहीं रहिए, इसे अपना ही घर समझिए। वैसे भी आप तो जानती हैं कि अम्मी जान की उम्र हो चली है, उनको रात दिन के लिए एक नौकरानी भी तो चाहिए ना। और अम्मी कसम हम आपको जरा भी तकलीफ नहीं होने देंगे, सोच लीजिए। बहुत बदतमीज है आप, अब जाइए। परमा बदतमीज हम नहीं, ये हम वक्त दिल है हमारा, और बदतमीजी से ही सही कम से कम आपके चेहरे पर मुस्कान तो आई। ऐसे ही हंसती रहिएगा आप, अच्छी लगती है। हम इजाजत दें, और हाँ एक और बात, भाईजान की बात का बुरा मत मानिएगा, उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं, मिल के बुरे नहीं हैं वो, बस गुस्से में थोड़ा ज्यादा बोल देते हैं, उन्हीं ने तो आपकी इतनी मदद की है ना। जी मैं जानती हूँ। चले अब चले हम मोहतरमा, और नौकरानी वाली बात का बुरा मत मानिएगा। सुनिए नौकरानी कहाँ, इसके लिए मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा, ना ही मुझे गुस्सा है। मेरी अन्नी मेरी नानी जिन्हें मैं अन्नी कहती हूँ, वो भी किसी के घर में नौकरानी ही थी। किसी के घर में नौकरानी बनने से कोई छोटा नहीं हो जाता। आज उन परिवार के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। उस घर के मालिक को हम मालिक नहीं बल्कि बड़े पापा कहते, और उनके नातिन बड़ी बहन जैसी रिश्ते बन जाते हैं अशफाक, अगर दिल सच्चा हो और ऊपर वाले की मर्जी। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, आप जल्दी से जाइए और मेरे लिए अच्छी खुशखबरी लेकर आइए। हाँ जी बिल्कुल, संभाल के जाना। आकाश मियाँ बड़े नसीब वाले हैं आप, हम उनके करीब हैं और फिर भी इतनी दूर, और आप इतनी दूर होकर भी इतने करीब, मीठी जी के दिल के पास। भाईजान एक आईएसटी फोन करना। हेलो। हाँ मुनानी, मैं पाकिस्तान पहुंच गया हूं, रास्ते में आते वक्त मेरा फोन कहीं गिर गया, इसी वजह से फोन नहीं लगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको फोन करते रहूंगा। आकाश तुम गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में हो? बेटा मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। दुनिया का कोई कानून मुझे मीठी से मिलने से रोक नहीं सकता, सब खैरियत? फिर चाहे मुझे हजार कानूनी क्यों ना तोड़ना पड़े, मैं तोड़ूंगा। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, अपना ख्याल रखना बेटा। मुक्ता कैसी है? मुक्ता भी ठीक है, अभी फिर से उसे अस्पताल में भर्ती किया है, लेकिन वो ठीक है। मैं भगवान से दुआ करूंगा मुक्ता के बच्चे के लिए।
और आप चिंता मत कीजिए, इस बार मैं अकेला नहीं लौटूंगा। मैं अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर ही आऊंगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं कल सवेरे फोन करूंगा। ठीक है बेटा। मिया, हो गया आपका या कोई और फोन करना है आप? जी नहीं। शुक्रिया। कितने पैसे हुए आपके? जी 50 रुपए। ये लीजिए। 5,000? भाईजान, इतनी तो हमारी महीने भर की भी कमाई नहीं है। लेकिन मेरे पास छुट्टी नहीं है। माफ कीजिए, हमारे पास भी नहीं है। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। एक मिनट भाई साहब। जी? क्या आपके पास छुट्टे हैं? 5,000 का नोट? माफ कीजिएगा, इतने छुट्टे तो नहीं है हमारे पास। पर आप फिक्र ना करें, हम दे देते हैं। भाईजान कितना होएंगे? जी 50 हुए। 50 रुपए। ले लीजिए। धन्यवाद। अगर आप मुझे बता दें कि छुट्टे काम मिल जाएंगे तो मैं आपको आपके पैसे भी लौटा दूंगा। यहाँ एक काम करते हैं, मेरा घर यहीं करीब में है, अगर आप चाहें तो वहां चलकर हमसे छुट्टा ले सकते हैं। नहीं नहीं, अब मैम यहाँ आसपास कहीं कॉफी शॉप तो होगा ना, मेरी कॉफी भी हो जाएगी और छुट्टे भी मिल जाएंगे मुझे। कॉफी? क्या बात है मियां, कॉफी के लिए तो हम कभी इनकार कर ही नहीं सकते। और वैसे भी कॉफी पीने से तो दो अजनबी भी दोस्त बन जाते हैं ना। हम अशफाक रिजवी, आपका तारुफ? मेरा नाम आकाश है। आकाश मियां, अजीब इत्तेफाक है, अभी अभी हम जिसे कॉल कर रहे थे उनका नाम भी आकाश ही है। बार बार फोन ट्राई कर रहे थे, लगा नहीं, बंद आ रहा है। क्या हुआ, आप हैरान क्यों हो रहे हैं? मियां ये जो जिंदगी है ना, अजीब सी पहेली, कौन कहां कब क्यों किससे मिलवा दे कोई भरोसा नहीं। चले आप कॉफी। हमारे मानवर में दो ही चीजें मशहूर हैं, एक हमारी तवी नदी और दूसरा ये कैफे। मियां यहां पाकिस्तान में कैसे? अच्छा, सैर करने आए होंगे। और आगाज हमारे मनावर से? वाह क्या बात है। वैसे आप रह कहां रहे हैं? क्या मैं इसे बता दूं कि मैं यहां मीठी की तलाश में आया हूं? नहीं, पहले ही पाकिस्तान में बिना पासपोर्ट के हूं। अगर इसने पुलिस को जाकर बता दिया तो मैं और मुश्किल में पड़ सकता हूं। जनाब कहां खो गए? किसी की याद आ गई क्या? जी हाँ, मैं आज ही आया हूँ पाकिस्तान। यहाँ आसपास में कोई होटल है जहाँ मैं रह सकता हूँ? होटल? कस्बा है ये जनाब, यहाँ होटल कहाँ। पर हाँ, एक गेस्ट हाउस है खान साहब का, वहाँ आपकी अच्छी खातिरदारी होगी। बहुत ही नेक इंसान है खान साहब, और हिंदुस्तानियों से तो ऐसे मिलते हैं जैसे हम वतन हो। धन्यवाद अशोक। खाना बहुत लजीज है खान साहब के यहाँ, और अगर आपको खाने हो कबाब तो माशाल्लाह एक ही जगह है मनावर में, शाने मुगल, बहुत लजीज कबाब मिलते हैं वहाँ, आप जाइएगा। मैं कॉफी लेकर आता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। बढ़िया। ये अच्छा गुनगुनाते हैं आप, दिल को छू गई ये धुन। कौन सी धुन है ये? ये गाना मेरी पत्नी का सबसे मनपसंद गाना है। जब भी मुझे उसकी याद आती है बस गुनगुना लेता हूं। लेकिन जब भी ये गाना गुनगुनाता ना तो लुटते लुटते हंस पड़ती हूं, क्योंकि उसे लगता है कि मैं कभी गा नहीं सकता। अच्छा, क्या नाम है आपकी बीबी का? अरे अशफाक मियां, मीठी नाम है। जी रहमान भाई, और कुछ लेंगे आप? नहीं नहीं शुक्रिया। आकाश एक बार गा के सुना दीजिए ना, मजा आ जाएगा। किसी और थे मियां, अभी आपने हमें दोस्त कहा है, दोस्त के लिए इतना तो कर सकते हैं।